ये कौन सी स्पेशल पूजा है जिसके लिए हम जा रहे हैं? वो एक्चुअली मेरा फास्ट है। अरे बट आई थिंक आपको इस हालत में फास्ट नहीं रखना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई कैन मैनेज। ये दी और इनकी ये दोस्त दोनों पागल हैं। लगता है ये लोग भूल ही गए हैं कि हमें क्या करना है। हवेली तो पीछे ही छूट रही है। अरे मेरी अंगूठी नीचे गिर गई। गाड़ी रोकूं? नहीं 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 वो ढूंढ लेगी माहिर जी, आप चलते रहिए। ये तुम्हारी अंगूठी। भगवान, ये जूही क्या कर रही है? ये लड़की जानबूझ के ये सब कर रही है। क्या करूं अब मैं? अरे माहिर जी ये दुपट्टा माता रानी वाला ऐसे थोड़ी रखते हैं, इसको ऐसे टांग देते हैं ना वो। हाँ पर ऐसे मेरा विजन ब्लर हो जाएगा। क्या कर रही हो? मुझे कुछ दिखेगा नहीं। ये आवाज कैसी है? आवाज नहीं कुछ कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको कह रही थी कि आप हमें यहीं पे उतार दीजिए। मंदिर आपको बहुत ही उल्टा पड़ेगा, हम अपने आप चले जाएंगे। हाँ बेला रिलैक्स, हम यहाँ तक आए तो आगे भी जा सकते हैं ना। मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा रोड पे। कुछ भी बोलती हो। सामने देखिए माहिर जी। क्या हो गया बेला? काला कपड़ा था, मुझे लगा कोई जानवर है। आई एम रियली सॉरी यार। रिलैक्स रिलैक्स, मुझे लगता है तुम बहुत परेशान हो रही हो। रिलैक्स। ये देखो सेम आवाज दोबारा आई। सुनिए आप लोगों ने, आपका टायर पंचर हो गया है। मतलब आपकी गाड़ी का। अरे ये कैसे हुआ? पता नहीं ये कैसे हो गया। रोड तो एकदम स्मूथ है। होता है होता है, जब हम नहीं सोचते हैं ना तभी बुरा होता है। खैर आप किसी मैकेनिक को बुला लीजिए, हम तो पैदल ही चले जाएंगे। मतलब माहिर जी विश का व्रत है ना, तो वी शुडंट डिले इट फर्दर। अरे इतनी सुनसान सड़क पे मैं तुम लोगों को अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। आई ड्रॉप यू। एक्चुअली हम कैब ले लेते हैं, यो पास में ही है, 5 मिनट में आ जाएगी। हाँ माहिर जी एक्चुअली हम चले जाएंगे। वो क्या है ना, वो आप फोन करके किसी मैकेनिक को बुला लीजिए, नहीं तो आसपास जरूर कोई ना कोई होगा। वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन आई थिंक यू शुड वेट। मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। अरे छोड़ने के लिए तो कह रहे हैं, हमारा पीछा हम लोग कर लेंगे मैनेज। आपको समझ में नहीं आ रहा? तमीज नहीं है बात करने की। जूही किससे बात कर रही हो तुम? सॉरी दी बट ये इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। बोल दीजिए ना हम लोग मैनेज कर लेंगे। इनफ जूही। अब माहिर जी इट्स ओके बिला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ। शी इज राइट। माहिर जी इट्स रियली फाइन, हम मैनेज कर लेंगे। वैसे हमारे पास फोन है ही ना, कुछ प्रॉब्लम हो गया हम आपको फोन कर देंगे, डोंट वरी। हाँ जी यार विशाखा, तुमने पूछा ड्राइवर को कहाँ तक पहुँचा है वो? हाँ आई जस्ट कॉल्ड। हेलो भैया आप कहाँ पहुँचे? अच्छा उस मोड़ पे हैं आप, शॉर्टकट है। ठीक है आप वहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। हाँ वहीं वेट करें। बेला एक्चुअली वो पिछड़े मोड़ से एक शॉर्टकट है तो ड्राइवर वहीं पे रुका हुआ है, हम वहाँ वॉकिंग चले जाते हैं, है ना? माहिर जी हम चले जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है। डोंट वरी माहिर जी, मैं वहाँ पे पहुँचते ही आपको फोन करूंगी। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। एंड आई एम रियली सॉरी जूही ने आपसे जैसे बात की। इट्स ओके बिला, साली है वो मेरी। वो मुझसे कुछ भी बोल सकती है और मैं भी उससे कुछ भी बोल सकता हूँ। तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है। वो दी, ये माहिर तो पीछे ही पड़ गया था। माहिर? जीजा जी है तुम्हारे, ऐसे बात करोगी नाम लेके? वो दी, क्या फर्क पड़ता है, मुझे उन्हें कुछ भी नहीं बुलाना। वैसे भी मुझे सिर्फ एक इंसान से मतलब है, वो है आपसे। चलिए जल्दी अभी। अरे जूही, हेलो। हाँ, मैं माहिर सहगल बोल रहा हूँ। मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है यहाँ पे। मैं लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी किसी को भेजो। जी माहिर जी। आप पहुँच गए आप लोग? अभी हम रास्ते में ही हैं। मैं आपको पहुँच के फोन कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। ठीक है, आप पहुँच जाओ आराम से, और फिर मुझे फोन करना, अपना ख्याल रखना है ना। हाँ आओ ना। हाँ एक मिनट, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं करती हूँ आपको फोन। ठीक है। क्या हुआ, माहिर को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं विशाखा वो ओफो दी चलिए ना, मेरी ताजपोशी करनी है जल्दी। हाँ जूही ठीक है, लेकिन अभी तक माँ भी नहीं आई है। तो क्या हुआ, क्यों रुकना है, माँ के लिए आ जाएंगी वो। अरे नागरानी माँ के बिना ताजपोशी कैसे कर सकते हैं। विशाखा मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम बीच में मत बोलो। ये क्या तरीका है बात करने का बड़ों से, तमीज नहीं है क्या तुम्हें? छोटी बच्ची नहीं हो अब तुम तो। मैं भाई कह रही हूँ दी, मैं बच्ची नहीं रही अब तो। मुझे बात-बात पे से डांटना बंद करो। और वैसे भी अब मैं नागरानी बनने जा रही हूँ, तो मुझे बर्ताव बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझसे ऐसे बर्ताव मत किया करो। हो क्या गया है जूही, हर बात में इस तरह गुस्सा दिखा रही हो तुम तो। अब सबने ना मेरा मजाक बना के रख दिया है इस बात पे। मैं जानती हूँ आप चाहते ही नहीं हो कि मैं नागरानी बनूं। हमने इरादा बदल दिया है ना मुझे नागरानी बनाने का, तभी इतने सारे बहाने बना रहे हैं। उसके लिए इंतजार करो, उसके लिए इंतजार करो, ये करो वो करो, इतना डांटियो ताकि मैं चुप ही हो जाऊं। इसके उसके लिए नहीं, नागरानी माँ के लिए रुकना है हमें। और क्यों ऐसा सोच रही हो तुम जाके सिंहासन पे बैठो, मैं अभी आई। जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये पागल जूही इतना उतावलापन क्यों दिखा रही है, कहीं इन दोनों को शक ना हो जाए। अनंत वासुकी शेषम पद्मनाभम। हाँ, मैं शुरू से चाहती थी जूही नागवंश की सारी जिम्मेदारियां उठा ले, लेकिन तब वो इसके लिए तैयार नहीं थी। अब अचानक से हो गई तो अच्छी बात है, हर किसी को अपनी सोच बदलने का पूरा हक है। और जूही जो एक बार कुछ ठान ले तो वो करके ही रहती है, इसलिए मुझे उम्मीद है वो बहुत अच्छी नागरानी बनेगी। रुको बिला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो विक्रांत, वो तुम्हारे हाथों माहिर को मरवाना चाहता था, क्योंकि माहिर बेकसूर है, और अगर तुम्हारे हाथों उसका खून हो जाता है तो नागरानी की गद्दी मुझसे छिन जाएगी और वो नागराज बन जाएगा। जानती, वो नागमणि को अपने लिए हासिल करना चाहता था। अपने लिए मतलब? इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पता होना चाहिए। विक्रांत तुम्हारे 100 साल का प्यार था, तुम्हें उसके दिल का सब पता था, पर उसके इस दिल में दबी चाहत का कोई अंदाजा नहीं था तुम्हें। बेला, लोगों को अपनी सोच बदलने का पूरा हक है, मगर उसकी वजह लालच नहीं होनी चाहिए। अब अचानक जूही को भी तो। विशाखा, जूही की तुलना विक्रांत से मत कर, वो बहन है मेरी, उसके खून में धोखा नहीं है।